लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के युवा प्रदेश अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे द्वारा तारापुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद प्रतिनिधि युवा प्रदेश उपाध्यक्ष शशि शेखर राणा को भागलपुर एवं कटिहार जिला का प्रभारी पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। तारापुर स्थित रामाशीष भवन में पार्टी कार्यालय में राष्ट्रीय सचिव मिथिलेश कुमार सिंह की उपस्थिति में अन्य पार्टी नेताओं द्वारा अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए शशि शेखर राणा ने कहा कि प्रदेश एवं केंद्रीय नेतृत्व ने जो बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। पार्टी नेतृत्व ने मुझ पर अटूट विश्वास व्यक्त किया है, मैं पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूती प्रदान करने के लिए काम करूंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के हाथों को मजबूत करूंगा। आगामी लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में पार्टी मजबूती से भागीदारी करेगी। चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का सपना पूरा करने का सभी युवा एवं पार्टी के अन्य कार्यकर्ता और पदाधिकारी कार्य करेंगे। राष्ट्रीय सचिव मिथिलेश कुमार सिंह ने कहा कि पार्टी टूटने के बाद भी देश में हुए चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के नेतृत्व में पार्टी द्वारा मजबूत प्रदर्शन किया गया। जो पार्टियां अपने को राष्ट्रीय पार्टी और बड़ी पार्टी का दम भरती थी उन्हें भी कड़ी चुनौती दिया है। नागालैंड में पार्टी ने बड़ी उपलब्धि हासिल की, देश में जनाधार बढ़ा। चिराग पासवान के नेतृत्व में पार्टी लगातार मजबूत होते जा रही है। इस मौके पर फूल मामला पहनाकर मिठाई खिलाकर एवं होली खेलकर कार्यकर्ताओं ने खुशी का इजहार किया। मौके पर युवा प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. सर्वेश कुमार, सांसद प्रतिनिधि चंद्रशेखर चौधरी, प्रखंड अध्यक्ष जयराम मंडल, जीवन सिंह, राजेश शाह सहित दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। आज का कार्यक्रम हम लोग का लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हुआ। हम लोगों ने जब से पार्टी टूटी उसके बाद जो हम लोग चुनाव लड़े, इस चुनाव में हम लोग बड़े बड़े दल जो अपने को राष्ट्रीय दल कहना चाहते हैं या हमसे बड़े मानते हैं अपने आप को, उनको पानी पिला दिया। नागालैंड के चुनाव, तीन राज्यों के चुनाव में हम लोगों ने नागालैंड में जो उपलब्धि हासिल किया, चिराग जी के ऊपर जो जनता ने विश्वास किया, ये प्रतीत होता है कि देश में मेरा जनाधार काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है और चिराग जी के ऊपर जनता का अपार विश्वास हो रहा है। हमने दो सीट पर हमने हासिल किया, आठ सीट पर दूसरे नंबर पर रहा और 10% वोट हम लोगों ने हासिल किया है। यह बना रहा है कि जग जीवन और राजद से हम बहुत आगे चल रहे हैं और हमारा आने वाला भविष्य बहुत बढ़िया है। हम लोग उस खुशी में आज अपने नेता को बधाई दिए और होली के रंग में अबीर लगा करके सब लोग खुशियाली बांटे और मिठाई खाए। और दूसरा खुशी हम लोग का हुआ कि तारापुर विधानसभा के नौजवान जो हमारे युवा के प्रदेश उपाध्यक्ष थे उनको पार्टी की ओर से खंडरिया चौगछी भागलपुर और कटिहार का प्रभारी मनोनीत किया गया है शशि शेखर राणा। इस खुशी में हम लोगों को माला पहनाए और बधाई दिए और मिठाई खा करके सब लोगों ने दोनों एक साथ दुख खुशी का इजहार किया, एक पार्टी के विजयी होने पर और एक पार्टी के पदाधिकारी को मनोनीत होने पर हम लोगों ने खुशियाली इजहार किया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहार प्रदेश के युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ साथ मुझे कल ही युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई वेद प्रकाश पांडे जी के द्वारा भागलपुर और कटिहार के जिला प्रभारी बनाया गया है, जिसको लेकर मैं अपनी ओर से केंद्रीय नेतृत्व एवं प्रदेश नेतृत्व को सौहृदय धन्यवाद देता हूं कि मेरे जैसे कार्यकर्ता पर अटूट विश्वास रखते हुए प्रदेश नेतृत्व ने मुझे भागलपुर से कटिहार प्रभारी बनाए जाने से मैं अपनी ओर से पार्टी के बूथ स्तर तक अपनी मजबूती प्रदान करूंगा, जिससे माननीय सांसद चिराग पासवान जी के हाथों को मजबूत होगी और आने वाले विगत 2024 और 25 के चुनाव में युवा प्रकोष्ठ और युवा मेरे साथी बहुत मजबूती से चुनाव में भागीदारी लेंगे और चिराग पासवान को 2025 में जो सपना है बिहार का मुख्यमंत्री बनाना, उसमें हम लोग युवा सभी मिलजुल कर बड़ी शक्ति से उनको मुख्यमंत्री बनाने में सहयोग करेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम शशि शेखर राणा उर्फ अंटुस राणा, प्रदेश उपाध्यक्ष युवा लोजपा, सह भागलपुर और कटिहार प्रभारी।